ये जो क्वेश्चन है ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आप तीनों निकाल रहे ठीक है, और सबका आंसर आपको क्या होगा, सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीन मीडियन मोड, सबका आंसर आपको क्या होगा, सेम होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, आपके पास चार ऑप्शन है। एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सॉल्व करें। आप सबको प्लस करिए, आप मीन निकालिए, फिर नीचे में सबको प्लस करिए, मीन निकालिए, फिर सबका मीडियन निकालिए, फिर मोड निकालिए। ये सब प्रोसेस करके आप निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए मान लीजिए मैं फोर्थ का निकालती हूँ ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको ऐड कर लीजिए। मीन का क्या फॉर्मूला है, सबको ऐड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, उसके बाद मीन निकालते। देखिए 4, 8, 12, 16 ठीक है, 16 हो गया, उसमें 6 ऐड किए तो कितना आया, 16 में 6 22, 3 ऐड किए 25 और 3 ऐड किए 28। तो मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन ठीक है। ये हम लोग शॉर्टकट में बना रहे हैं क्योंकि अभी लंबे प्रोसेस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको शॉर्टकट में ही बनाना होता है ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप मीन निकालते 28 आया, सब इन सबको प्लस करके कितना है 28, और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने नंबर है यहाँ पे, टोटल 7 है। तो यहाँ पर अभी 7 मीन आपको कितना आएगा, 4 आएगा ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, अब आपको निकालना मीडियन। मीडियन आपको निकालने के लिए सबको आपको सिस्टमैटिक में अरेंज करना होगा। तो मान लीजिए सबसे छोटा कौन सा, 3 है ठीक है, 3 के बाद फिर से 3, फिर लिख रहे हैं हम 4, फिर 4, फिर 4, 4 कितने बार है, 1, 2, 3, 4 बार है। उसके बाद लिख रहे हैं हम 6 ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 टर्म या आप आइटम दोनों लिख सकते हैं ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो n की अगर हम बात करें ठीक है, टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 1/2 टर्म या आइटम, आप कुछ भी लिखिए। अब आप 7 प्लस 1/2 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 8/2 टर्म ठीक है, 8/2 टर्म हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप कटिंग करिए, आएगा 4। मीन का आंसर भी 4, मीडियन का आंसर भी 4 है। कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, n प्लस 1/2 आइटम ठीक है। तो n यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे टोटल कितने नंबर थे, 7 थे, उसमें से प्लस 1 कर दिए, बाय 2 कर दिए, 8/2 आइटम, तो इसका आंसर है 4। अब आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है या जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको मोड बोलते हैं। तो अगर हम रिपीट की बात करते तो देखिए 3 दो बार रिपीट हुआ ठीक है, लेकिन 4 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हुआ है 4 ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा आपका, मोड इज इक्वल टू 4। तो देखिए मीन भी आपका 4 आया, मीडियन भी आपका 4 आया और मोड भी आपका 4 आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम, जो सेम होगा जिसमें मीन मीडियन मोड वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है, इसमें मीन भी 4 है, मीडियन भी 4 है और मोड भी 4 है। एग्जाम में आपको इस सबके निकाल के, सबका निकाल के आपको देखना होगा किसका आंसर में मीन मीडियन मोड सबका सेम होगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पेपर से ही लिया था। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइएगा ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ।